तरह से कर सकते हैं। मैं पहले आपको एक ट्रेडिशनल मेथड बताता हूँ। सबसे पहले आप मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12y इज इक्वल टू x + iy, ठीक है। इसके बाद आप दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। चलिए स्क्वायर कर लेते हैं, तो क्या होगा, 5 + 12y होल स्क्वायर प्लस x = x + iy होल स्क्वायर। जगह 5 + 12y, जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो होगा x² + iy² + 2 ixy, दैट इज a² + b² + 2ab। चलिए ये हो जाएगा -y², क्योंकि आई स्क्वायर होता है दोस्तों -1। तो हमने यहाँ से इसको चेंज कर दिया। अब दोनों तरफ के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कीजिए, ठीक है। तो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने के बाद हम क्या देखेंगे कि x² - y² = 5 या 1 मान लीजिए, एंड ये था आपका 2ixy = 12y, दैट इज xy = आपको यहाँ से 6 मिलेगा या 2 मान लीजिए, ठीक है। अभी आपको x² - y² = 5 मिल गया, तो अभी आप क्या करेंगे, आप x² + y², क्योंकि हमें x और y का वैल्यू चाहिए, तो x² + y² का होल स्क्वायर कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, x² - y² का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ओके, इन पे स्क्वायर भी लगाएंगे आप। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए आपके पास किस किस चीज़ की वैल्यू है। x² - y² का वैल्यू है 5 square plus 4 multiply। अब हमें x² y² का वैल्यू चाहिए, हमारे पास xy का वैल्यू है। अगर हम इसके दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, xy² and 6 square, दैट इज xy x² y² = 36 मिल जाएगा। चलिए वैल्यू हम यहाँ पे लगा देंगे, अब 5 + 5 = 25 + 36 = 144, और इन दोनों को जो हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा 169, और इनसे हमें मिलेगा 13। अब हमें x² + y² = 13 मिल गया, तो ये हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लेते हैं। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 3 and इक्वेशन 2, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, दैट इज x² + y² = 13, x² - y² = 5। यहाँ से माइनस प्लस माइनस, सब्ट्रैक्ट करेंगे आप 3 से 2 को, तो क्या हो जाएगा आपका, x² से x² कैंसिल, 2y² = ये हो जाएगा आपका 8, एंड 2 4 जा 8, तो y² = आ गया 4, एंड y = आएगा +-2। चलिए y² की वैल्यू हम यहीं रखेंगे, y² की वैल्यू हम यहाँ 1 में रखते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y² इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में जब y² का वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट विल बी x² - y² का वैल्यू था 4 = 5, x² हो जाएगा हमारे पास 9, एंड x = हो जाएगा हमारे पास +-3। तो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12y क्या होगा, इनका वैल्यू रखिए यहाँ पे, ये हो जाएगा x का वैल्यू था प्लस माइनस थ्री एंड y का वैल्यू था हमारे पास प्लस माइनस टू। अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, 3 + 2i, और ये प्लस माइनस बाहर रख लीजिए। तो दोस्तों ये था आपका अंडर द रूट 5 + 12y का वैल्यू, यानी कि
फाइव प्लस ट्वेल्व वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसका अंडर रूट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू होगा 3 प्लस 2 वाई। चलिए इसी को एक शॉर्टकट मेथड से भी देखते हैं, ये तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, एक शॉर्टकट मेथड से भी इसको देखते हैं कि इसे हम किस तरह निकाल सकते हैं। तो अगर 5 प्लस 12 i का अंडर द रूट मुझे कैलकुलेट करना है, दैट इज़ मुझे इसका वर्गमूल कैलकुलेट करना है, तो मैं इसे सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में चेंज करूँगा। इसके बाद देखिए, जैसे इसको आपको चेंज करना है तो 5 प्लस 12 i को आप इस तरह से चेंज करोगे, 5 प्लस 12 i आपका क्या हो जाएगा, 2ab बनाना है इसको हमें, तो 6i। इसे आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, आप 6i को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर द रूट 36 इस तरह से। देखिए i का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, अंडर द रूट माइनस 1, एंड 6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें इस 5 का कुछ करना है, लेकिन उससे पहले हमें इसको कुछ इस तरह से अगर लिख लें तभी भी बात तो वही है। तो अब आप देखिए, आपको 9 और 4 चाहिए, इसे आप ए मान लीजिए, इसे आप बी मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस अगर 4 में करूँ तो ये 5 हो जाएगा, प्लस 2 अंडर द रूट 9 मल्टीप्लाई माइनस 4। अब इसे मुझे ए बनाना है, देखिए इसे अगर आप इस तरह से लिखें और इसे आप इस तरह से लिखें तो ये क्या हो जाएगा, देखिए क्लियरली अब आप समझ ही गए होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ए प्लस अंडर द रूट माइनस 4 का होल स्क्वायर है ये। इसको आप कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट 9 का वैल्यू होता है 3, अंडर रूट 4 माइनस टाइम्स इसका वैल्यू होगा 2i, ठीक है। और ये किसके इक्वल टू है, 5 प्लस 12 i के स्क्वायर रूट के इक्वल टू। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यू आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपने देखा ये इसका शॉर्टकट मेथड है,